Good morning, students. Welcome back to your EVS classes. Now, children, look at the screen. What do you see? Students, क्या आप बता सकते हो क्या हो रहा है? Okay. Here, two person are talking and they are sharing their ideas with each other. And this is called communication. Now, you can see here that two boys are talking on the phone. आपको भी अपने friends, family members and relatives से बात करना अच्छा लगता है ना? We can share our ideas on phone. Students, now you can see here, the two girls are sharing their ideas. और आपको पता है इसे क्या कहते हैं? एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कॉल पे बात करने को communication कहते हैं. Now children, tell me that how can they share their thoughts and ideas? Either by speaking or by writing them. We can speak face to face on phone with our family members, friends and classmates. ताकि हम उसे अपनी कोई बात बता सके and अपने thoughts share कर सके. And अपनी बातें share करने का, अपने ideas share करने का एक और तरीका है. हम उसे letter में write करके post कर सकते हैं. Do you know children? बहुत पहले मैसेजेस कैसे पहुंचाए जाते थे? Now before telling you that, please look at the picture. Yes, अब इस पिक्चर में एक पर्सन हॉर्स पे राइड करके मैसेज लेके आया है और वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन ड्रम बीट करके मैसेजेस पहुंचा रहा है. Because पहले के टाइम में फोन्स तो होते नहीं थे, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन या मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए ड्रम्स का यूज करते थे. एंड जब भी वो पर्सन ड्रम्स को बीट करते थे, तो जब भी ये पर्सन अपने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, तो सबको समझ में आ जाता था कि कोई मैसेज आया है. तो सब अपने घर से उस साउंड को सुन के बाहर निकल आते थे. स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में लोग पिजन का भी यूज करते थे अपने इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए. स्टूडेंट्स, इन ओल्ड डेज there were so many ways to communicate with each other through these. Students, old times में क्या होता था, आपको जितने भी pictures अभी screen पे show हो रहे हैं, ये सारे old times में use किए जाते थे एक information को या message को one place से दूसरे place तक पहुंचाने के लिए. Over the years, communication were developed like inland letters, postcards, envelopes and telephones. Now these days, even faster means like the emails, mobile phones and internet की help से भी हम communication कर सकते हैं. आप में से बहुत सारे लोग video calling पे बातें करते हो ना, अपने friends से, family से, relatives से. कितना अच्छा लगता है ना, जब हम कितनी भी दूर रहें और उसके बाद भी हम एक दूसरे को face to face बात करते हुए देख सकते हैं. Now children tell me, हम लेटर्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? लेट्स लुक एट द जर्नी ऑफ अ लेटर. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं एंड देन एनवेलप पे हम जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करते हैं एंड देन हम वो लेटर लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं. फिर क्या, पोस्टमैन आता है एंड वो लेटर बॉक्स से लेटर्स इकट्ठे करता है और फिर उन्हें पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. फिर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में लेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसे कब कहां पहुंचाना है एंड देन पोस्टमैन उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग लेटर्स को डिलीवर करता है. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट कि लेटर की जर्नी कैसे होती है. स्टूडेंट्स, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? यस, यू कैन सी हियर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, सेल फोन, लेटर, टेलीविजन और टीवी एंड मैगजीन. स्टूडेंट्स, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनकी हेल्प से हम एक बार में कई पीपल को, कई पर्सन को मैसेज भेज सकते हैं. टीवी शोज डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड ऑन रेडियो हम न्यूज एंड सॉन्ग सुनते हैं. So children, today we have learned about different means of communication.
means of communication nowadays and in the old time. So now it's time to practice what we have learned in the content. Question number 1 is, which bird was used to deliver message in olden times? Options are hen, parrot, pigeon or sparrow. The correct option is pigeon. Now your next question is, there are dash modes of communication. Your options are 3, 2, 1 or many. Correct option is many. Now next is, we can communicate by dash or dash. So your options are writing only, speaking writing, speaking only or none of these. So the correct option is speaking or writing. Next question is, which is not a means of communication? Your options are television, watch, newspaper or letter. So the correct option is watch. That's it for today, kids. I hope you have understood all about means of communication taught in this module. Till then, keep loving, keep laughing. Thanks for watching. See you in next video. Bye-bye.